अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज अगेन हम व्हाइल लूप के कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखे थे, इससे उससे नेक्स्ट देखें। हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है इस लेक्चर का, वो ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द डिग्री टू रेडियन टेबल यूजिंग व्हाइल लूप। हम लोगों ने क्या करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है और व्हाइल लूप का यूज करना है। ठीक है, आयो स्ट्रीम हेडर फाइल वही, कोनियो वाली हेडर फाइल भी वही। अब यहाँ पे हम लोगों ने आयो मैरिक जो है वो हेडर फाइल यूज की है, वो इस वजह से क्योंकि हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई की वैल्यू चाहिए। तो मैथमेटिकल जो वैल्यूज प्री डिफाइंड है वो किसमें है, वो आयो मैरिक हेडर फाइल के अंदर है। तो कॉन्स्टेंट डबल पाई 3.141593, आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होती है, तो इस वजह से डबल डेटा टाइप हम लोगों ने यूज की है। इन डिग्री जो है वो इंटीजर डेटा टाइप के साथ ली है। इंट डिग्री इज इक्वल टू 0 0 से हम स्टार्ट करेंगे और 360 तक लेके जाएंगे, आपकी अपनी मर्जी। आप 180 ले लें, आप 270 तक ले लें, 360 ले लें, 720 ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। फ्लोट हम लोग यूज कर रहे हैं। रेडियन जो है वो फ्लोट में, क्योंकि जो रेडियंस की रेडियन की वैल्यू वो क्या है कि पॉइंट्स में आ सकती है। रेडियन की वैल्यू क्या है, पॉइंट्स में आ सकती है। सी आउट डिग्रीज टू रेडियन, ये डबल कोटेशन के अंदर है तो ये एज इट इज डिस्प्ले होगा। अब वाइल के साथ राउंड ब्रैकेट में कंडीशन है डिग्रीज लेस देन इक्वल टू 360, यानी हमारी जो वाइल होगा ये तब तक एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक डिग्री की वैल्यू 360 या इससे लेस हो। जैसे ही डिग्रीज की वैल्यू 360 से ग्रेटर होगी, वाइल लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब रेडियन डिग्री को रेडियन में चेंज करने का फॉर्मूला ये है, रेडियंस इज इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक है, सी आउट क्या आ जाएगा, डिग्रीज, ये डबल कोटेशन के बगैर है तो ये डिग्री की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे ये हमें कर देगा स्पेस प्रोड्यूस करेगा, और ये रेडियन की क्या है, विदाउट डबल कोटेशन है तो रेडियन की वैल्यू ऐसे डिस्प्ले होगी। डिग्री टू रेडियन जो हम लोगों ने सी आउट लिखा डबल कोटेशन के अंदर, ये एज इट इज डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे डिग्री की वैल्यू फिर स्पेस के साथ रेडियन की वैल्यू आ जाएगी। अब जो हम लोग इंक्रीमेंट लगा रहे हैं वो 10 का लगा रहे हैं। डिग्री के अंदर क्या कर रहे हैं, 10 का इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप 5 का लगा लें, आप 20 का लगा लें, क्योंकि अगर हम 1 1 का लगाएंगे तो 360 वैल्यूज बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। तो 1 1 का भी आप लगा सकते हैं, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि आप किस तरह की वैल्यूज किस तरह का टेबल चाह रहे हैं। यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट लगाया है, तो देखिए ये कैसे वर्क करेगा। इन डिग्री हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, ठीक है, यहाँ पे डिग्री 0 चेक होगा, कंडीशन ट्रू है, डिग्री की वैल्यू 0 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगी, 180 से डिवाइड होगी, तो डिग्रीज 0 में और रेडियन की जो वैल्यू बनेगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ये 0 और रेडियन में कन्वर्ट होगा तो वो भी 0। फिर क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट लगेगा 10 का डिग्री में, तो डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे व्हाइल लूप में चेक होगी तो ये कंडीशन ट्रू है, डिग्री रेडियन में चेंज होगा, तो यहाँ पे 10 डिग्री की वैल्यू 10 और रेडियन की जो भी वैल्यू इस कैलकुलेशन से आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। फिर अगेन क्या होगा, इंक्रीमेंट लगेगा, 20 हो जाएगा और 20 यहाँ पे चेक होगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक डिग्रीज की वैल्यू 360 या 360 से लेस होगी। जैसे ही 360 से ग्रेटर होगी व्हाइल लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। आए इसका प्रोग्राम देखते हैं टर्बो सी प्लस प्लस पे। कंपाइल करते हैं, मैं पहले इसको 180 तक लेके जा रही हूँ, कहीं तक भी वैल्यूज कर सकते हैं। 180 कंपाइल कर रही हूँ, ठीक है, इसके बाद रन कर रही हूँ, तो देखिए ये डिग्री टू रेडियन, ठीक है, 0 पे 0 वैल्यू, 10 डिग्री पे 0.174533,
इसी तरह 20, 30, 40, 50 ये 180 तक हमारे पास स्टेबल शो हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको 360 कर दूँ, कंपाइल किया, ये रन किया, तो देखिए ये 360 तक 10-10 के डिफरेंस के साथ हमारे पास डिग्री टू रेडियन टेबल हमारे पास आ गया, ठीक है। चेंज यहाँ पे क्या है, आयोमैनिक एडर फाइल हम लोगों ने यूज़ की है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंट पाई की वैल्यूज हमारे फार्मूले में, ये पाई की वैल्यू फार्मूले में यूज होगी, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट डबल, डबल मतलब लार्ज वैल्यू है, इस वजह से हम लोगों ने डबल डाटा टाइप और कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट डबल यूज किया डाटा टाइप। फिर डिग्री जो है वो इंटीजर डाटा टाइप के साथ ली है और जीरो से इसको इनिशियलाइज किया है। और जो रेडियन है, रेडियन फ्लोट में ले रहे हैं, रेडियन किसमें ले रहे हैं, फ्लोट में, ठीक है। तो सी आउट डिग्रीज टू रेडियन ही एज इट इज डिस्प्ले होगा, व्हाइल लूप में डिग्री पे कंडीशन लगाई है, फिर रेडियन का फार्मूला है और ये सी आउट होगा और 10 का हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 का इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप 5 का इंक्रीमेंट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखें, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द सम ऑफ अ फॉलोइंग सीरीज यूजिंग व्हाइल लूप। ये सीरीज क्या है हमारे पास, 1+1/2+1/4+1/6+1+1/100 व्हाइल लूप को यूज करते हुए हम इस सीरीज का सम फाइंड करना है, ठीक है। वैसे तो आप सम फाइंड करने के लिए डिफरेंट हैं, आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज बनती है, हार्मोनिक सीरीज बनती है, ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, कौन सी बनती है सीरीज, ठीक है। तो आप उसके रिस्पेक्ट से इसका सम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू इसका सम फाइंड करना है इस सीरीज का, और यूज़ क्या करना है, व्हाइल लूप को यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये वैल्यूज पॉइंट्स में आएंगी, ठीक है, और सम भी जो होगा वो पॉइंट्स में आ सकता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, डेटा टाइप जो ले रहे हैं वो फ्लोट डेटा टाइप ले रहे हैं, क्योंकि ये तो नज़र आ रहा है कि जो सीरीज की टर्म्स हैं वो पॉइंट्स में है, फ्लोटिंग है डेटा टाइप, और जो उसका रिजल्ट है वो भी मे बी पॉइंट्स में है, जिस वजह से हम फ्लोट जो है सी और आर ले रहे हैं, ठीक है। अब सी को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है 2 वैल्यू दे के, और आर को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है 1 वैल्यू दे के, सी को 2 और आर को 1 वैल्यू दे के। अब इसका पर्पस आगे समझ आएगी आप लोगों को। अब व्हाइल सी लेस देन इक्वल टू 100, अब ये जो हम लोगों ने इनिशियलाइज किया है ना सी, ये क्वेश्चन के नीचे जो है 2, 4, 6 और ये 100, ये 100 तक हमें सम चाहिए, तो हमने व्हाइल पे जो कंडीशन लगाई है व्हाइल के साथ, वो क्या है, वो सी लेस देन इक्वल टू 100, और जैसे ही सी ग्रेटर देन 100 होगा व्हाइल लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, व्हाइल लूप क्या होगी, टर्मिनेट होगी, और जैसे ही सी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी। अब यहाँ पे देखें, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 ओवर सी, यहाँ पे क्या होगा, अब आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, आर की न्यू वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 1+1/c की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, 3/2 हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 1+1/2 का सम क्या आएगा, 3/2 आएगा। कैसे, सी हम लोगों ने ये क्वेश्चन को देखते हुए 2 रखा है, और आर हम लोगों ने यहाँ से जो इनिशियल वैल्यू, जो सीरीज की इनिशियल टर्म है, फर्स्ट टर्म है वो 1, तो क्या हो जाएगा, 1+1/2, 3/2, आर की न्यू वैल्यू जो है वो 3/2 है। अब सी में 2 का इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है, क्योंकि 2, 4, 6, 2, 2 इंक्रीज हो रहा है, तो सी की जो न्यू वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी, सी इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, सी इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। जब सी इज इक्वल टू 4 बनेगा, यहाँ पे अगेन चेक होगी, ठीक है, जब यहाँ पे चेक होगी तो कंडीशन ट्रू होगी। अब आर इज इक्वल टू, आर की जो पुरानी वैल्यू थी वो 3/2 थी, 3/2 प्लस करेंगे, ठीक है,
करेंगे 1/4, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 7/4 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 7/4। ठीक है, तो ये जो इनका सम होगा फर्स्ट थ्री टर्म्स का, ये देखें 3/2 में 1/4 ऐड करेंगे तो क्या 7/4। ठीक है, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम क्या आ रहा है, 7/4। अब अगेन सी में इंक्रीमेंट लगेगा, सी की वैल्यू 4 थी, सी में जब 2 का इंक्रीमेंट लगेगा तो ये क्या हो जाएगी, सी की न्यू वैल्यू 6 हो जाएगी। अब अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो वो ट्रू होगी, अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास आर इक्वल टू, आर की जो पुरानी वैल्यू थी 7/4 थी, न्यू वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1/6। ठीक है, तो जो भी ये वैल्यू आएगी वो हमारे पास आर की न्यू वैल्यू हो जाएगी। अगेन सी पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लगेगा, वो 8 हो जाएगी, 2 का इंक्रीमेंट 8 हो जाएगी, और यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी तो वो क्या होगी, 2 होगी। ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक सी की वैल्यू 100 से ग्रेटर नहीं हो जाएगी। जैसे ही 100 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास आर की जो लास्ट कैलकुलेशन होगी वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। सी आउट रिजल्ट इज, ये डबल कोटेशन के अंदर है, ये एज इट इज डिस्प्ले होगा, और आर की जो भी वैल्यू होगी सी 100 रखने पे, ठीक है, वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस तरह से इस सीरीज का सम कैलकुलेट हो जाएगा। इसका फ्लो चार्ट देखें, फ्लो चार्ट में ये स्टार्ट की है, दो लिए हम लोगों ने वेरिएबल्स विद फ्लोट डेटा टाइप, सी की वैल्यू 2 रखी है क्योंकि क्वेश्चन के नीचे 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। सी और आर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आर 1 के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं क्योंकि इनिशियल जो टर्म है वो हमारे पास 1 है। इज सी लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन हम वाइल लूप पे लगा रहे हैं। ठीक है, अगर तो लेस देन 100 होगी तो क्या होगी, ये फार्मूला हम रखेंगे आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 ओवर सी। ठीक है, और ये आर की वैल्यू कैलकुलेट होगी और सी में इंक्रीमेंट 2 का लगेगा, सी की वैल्यू अगेन चेक होगी, अगर ये ट्रू होगी फिर ये प्रोसेस चलेगा, ये तब तक चलेगा जब सी की वैल्यू 100 होगी। जैसे ही सी की वैल्यू 100 से ग्रेटर यानी 102 हो जाएगी क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट है, तो नो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ से जो भी यहाँ तक सी 100 पे आर की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो प्रिंट होगी और हमारा प्रोसेस क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें प्रभु सी प्लस प्लस के ऊपर ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये कैसे इसकी वर्किंग देखते हैं। अब ये सीरीज वाला प्रोग्राम, ठीक है, दो वेरिएबल्स लिए हैं, फ्लोट डाटा टाइप सी की वैल्यू 2 ली है, आर की वैल्यू 1 ली है, वायर की कंडीशन लगाई है सी को लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, और 2-2 का इंक्रीमेंट हम ले रहे हैं। तो ये देखिए ये रिजल्ट आ गया 3.249602, ठीक है। तो ये था वाइल लूप के प्रोग्राम, ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।